तो मैं हूं श्याम भाटिया और आप सभी का स्वागत करता हूं ई एकेडमी 123 पर। आज हम जानेंगे जेई के 2020, जो जेई 2020 हो रहा है उसमें क्या रैंक के अकॉर्डिंगली परसेंटेज कैसे वेरी करेगा, ये सारी चीज़ इसके अंदर जाननी और कौन से फैक्टर्स रहे हैं इस एग्ज़ाम के अंदर के, जो कि प्रीवियस ईयर की जो परसेंटाइल थी उसमें और करंट ईयर का जो परसेंटाइल है इसमें क्या वेरिएशन आ सकता है और कौन से फैक्टर रहे हैं, ये सारी चीज़ जाननी। क्या लेवल रहा था और परसेंटाइल कैलकुलेशन में क्या बड़ा डिफरेंस रहा है इस साल, वो भी इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि अगर अंडर 100 रैंक अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो आपके जो परसेंटाइल है वो 99.99128255 होनी चाहिए या इससे अबव। तो अगर इतनी परसेंटाइल है तो आपकी 1 रैंक वाले की भी यही होगी और 100 रैंक वाले या और उससे ऊपर वाले की भी आसपास यही रैंक रहेगी। तो अब आपको थोड़ा आइडिया लग रहा होगा कि किस प्रकार से ये हो रहा। उसी प्रकार से अगर अपन बात करें कि अप टू 500 रैंक की अगर बात की जाए तो वो भी 99.95641127 के आसपास अगर आपकी रैंक है तो भी आप ये अचीव कर सकते हो। उसके बाद अगर आपकी परसेंटाइल जो है 99.91282554 तक अगर है तो आपको मिल सकता है 1000 रैंक तक का। देखिएगा यहाँ पे बिग डिफरेंस आ रहा है कि अभी भी अपन 99 पॉइंट में ही चल रहे हैं लेकिन उसके बाद भी आपकी रैंक कितनी फ्लक्चुएट हो रही है। तो यही बात है कि अगर 1000 की बात की जाए तो 99.12882554 है। अगर मैं 5000 की बात करूँ मोटे तौर पर तो आपको मिलता है 99.56412771। यानी इतना अगर परसेंटाइल है तो आप इतनी 5000 रैंक एक्सपेक्ट कर सकते हो, इसके अंदर कर सकते हो, ठीक है। और अगर मैं 10000 की बात करूँ 10000 की बात करूँ तो आपका परसेंटाइल होना चाहिए 99.12825542 के आसपास। और अगर मैं 25000 तक की बात करूँ रैंक की तो वो 97.82063855। यानी ये जो डाउनग्राफ हो रहा है कैसे 25000 तक की रैंक स्लिप हो रही है और वो भी पॉइंट्स पर, और इनको थोड़ा सा डिटेल से जानते हैं अभी अपन लेके। तो ये जो आपके सामने एक एक स्लाइड और मैं लेकर आया हूँ, इस स्लाइड के अंदर अगर बात करें अपन कि अगर 99.95, थोड़ा सा इसमें डिटेल में बात कर लेंगे, 99.95 अगर है तो आपका रैंक जो है 574 के आसपास कहीं फ्लक्चुएट करेंगे। अगर 99.85 है तो वो 1721 के आसपास आपकी रैंक देखी जा सकती है उससे अबव, है ना। अगर बात की जाए 99.75 की तो 2868 के आसपास आपका फ्लक्चुएशन देखा जाता है। यहाँ पर जो आ रही जो शिफ्ट इस साल हुई थी इन शिफ्ट में और जो प्रीवियस 2019 की जो शिफ्ट हुई थी उनमें बहुत सारा फ़र्क है, क्योंकि उनके अंदर जो था पहला फ्लक्चुएशन तो ये था कि टोटल मार्किंग 360 थी, इस साल क्या है 300 मार्किंग है। और इसमें जो लेवल जो है वहाँ पर मॉडरेट टू इजी और थोड़ा सा फ्लक्चुएशन, यहाँ बहुत सारी मतलब जैसे कि अगर मैं बात करूँ 7th जेन की सेकंड शिफ्ट की, 9th जेन की फर्स्ट शिफ्ट की, तो कुछ ऐसे शिफ्ट है जो कि इनके कंपेरेटिव जिनका लेवल मेंस से भी ऊपर था, जे मेंस से भी काफ़ी लेवल ऊपर था, तो उसकी वजह से जो फ्लक्चुएशन आया वो भी अपन इसके अंदर बात करने वाले। और अगर मार्क्स आपका परसेंटाइल 99.65 के आसपास है तो आपकी जो रैंक है वो आप देख सकते हो 4015 के आसपास देखी जा सकती है। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं कि 99.55 अगर आपकी है तो 5162 के आसपास देखी जा सकती है, और 99.45 की अगर बात की जाए तो वो 6309 के आसपास या इससे प्लस में ही आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से अगर 99.34 परसेंटाइल की बात की जाए तो वो 7000 साढ़े 7000 के आसपास आपको देखने को मिल सकती है। इसी प्रकार से 99.25 की अगर बात की जाए तो वो फिर आपको देखने को मिल सकती है 8603, ठीक है। और इसी प्रकार से अगर बात की जाए कि 99.15 तो वो 10000 के अप्रॉक्स में आसपास चली जाएगी। और फिर अगर परसेंटाइल 99.05 यानी यहाँ से डिजिट हट के अब डिजिट यहाँ आ गया तो ये 10000 में आपको देखने को मिल सकती है। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूँ कि 98.95 की अगर बात की जाए तो ये भी 99 के आसपास ही है, तो इसको आप 12000 के आसपास आपके रैंक फ्लक्चुएशन देखा जा सकता है। सिमिलरली अगर 98.85 की बात की जाती है 13000 और कुछ 162 के आसपास देख सकते हैं। और दूसरी इसी स्लाइड को थोड़ा सा और अपन देखते हैं तो बात पाते हैं कि यहाँ पर जो 98.75 अगर आपका है तो वो 14000 प्लस है, 98.65 है तो 15486 के आसपास आपकी जो रैंक देखी जा सकती है। इसी प्रकार 98.55 अगर हुआ तो 16000 के अबव रैंक जाएगी आपकी, और 98.55
4-5 की अगर बात की जाए तो वो भी 17,000 प्लस ही आपकी देखी जा सकती है। तो ये जो चीज़ें आ रही हैं, ये कहीं ना कहीं लेवल और नंबर ऑफ अपीयरिंग स्टूडेंट और सीट्स बड़ी है, उन सब के कारण से थोड़ा सा फ्लक्चुएशन देखा जा रहा है। 17,000 प्लस और 98.35 अगर मैं करूँ तो 18,000 प्लस आपकी रैंक देखी जा सकती है, और अगर 98.25% की बात करूँ तो वो 20,000 के प्लस, और 98.15 तो वो 21,000 के प्लस में देखी जा सकती है, और अगर 98.05 वही बात अगर की जाए तो वो 22,000 के आसपास आपकी रैंक देखी जा सकती है। और उसके बाद अगर अपन बात करें 97.95 तो आपकी ये 23,000 प्लस रैंक आ सकती है, और 97.85 की अगर बात की जाए तो वो भी 24,000 के कुछ हो सकती है, 97.75 की अगर बात की जाए तो 25,000 के आसपास, और 97.65 की बात की जाए तो 26,000 के आसपास आपकी रैंक देखी जा सकती है। उसके बाद हम जो बात करने वाले हैं, जो अहम मुद्दा है वो ये है। सबसे पहली बात तो दोस्तों ये की जाए कि जो शिफ्ट का जो लेवल था इस साल का वो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल था, और जो भी इन जो जेई का लेवल होता था उससे थोड़ा अलग था। तो अगर बात की जाए, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि अगर आपका 90+ percentile है तो आपकी जो रैंक है वो फ्लक्चुएट हो सकती है 25,000 से लगाकर आपकी हो सकती है 60,000 तक रैंक, ठीक है। उसी प्रकार से अगर आपका 90+ की बात कर रहा हूँ, और अगर मान लो कि यही परसेंटाइल आपका 90 के सिमिलर आसपास है कहीं, तो भी आपकी रैंक जो है वो 70,000 से 80,000 के आसपास आपकी आ सकती है, ठीक है। 70,000 से 80,000 के आसपास आपकी रैंक देखी जा सकती है। और उसी प्रकार से अगर मैं बात करूं आपकी कि 85% से लगाकर अगर 90% आपका है, जिसमें मैक्सिमम लोग फॉल करते हैं, तो आपकी रैंक देखी जा सकती है 1,20,000 से लगाकर 1,80,000 तक, ये आपकी रैंक देखी जा सकती है। और इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं कि 80 से 85% की अगर बात की जाए, जो कि इस साल का परसेंटाइल कटअप भी रहने वाला, प्रीवियस ईयर का क्या कितना था 89.something कुछ percentile जनरल के लिए रहा था, ठीक है, जाहिर सी बात है। लेकिन इस साल क्योंकि ये कटअप डाउन होने वाला है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें 2,00,000 से लगाकर आपकी जो रैंक होगी वो 2,40,000 तक फ्लक्चुएट हो सकती है, और इतने ही स्टूडेंट मेंस एडवांस के लिए क्वालिफाई भी होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये आपका एक कटाप रेंज दे सकते हैं कि अगर इसमें आपका जो परसेंटाइल आ रहा है तो करस्पॉन्डिंग रैंक आप इतनी अपनी देख सकते हो, ठीक है। और उसी प्रकार से अगर मैं आगे की बात करूं, तो अगर आपका परसेंटाइल मान लो कि 75 से 80 अगर आ रहा है, तो ये आपकी रैंक जो होगी वो 3,00,000 के पहले पहले करीब हो जाएगी, ठीक है, अगर मैं इसकी बात करता हूँ। और अगर मैं परसेंटाइल की बात करता हूँ कि 60 से 75 की अगर बात की जाए, तो 3,00,000 से लगाकर आपकी 5,00,000 के बीच में रैंक देखी जा सकती है। और अगर 40 से 60 के बीच में अगर परसेंटाइल आपकी वेरी कर रही है, तो आप देख सकते हो 5,00,000 से लगाकर 7,00,000 के बीच में आपका मार्क्स रैंक देखा जा सकता है। और उसी प्रकार से अगर मैं 20 से लगाकर 40 तक परसेंटाइल की बात करूँ, तो ये 8,00,000 प्लस तक आपकी रैंक देखी जा सकती है। और अगर 10% या इसके आसपास की अगर अपन बात करें 10 से 20 की, तो ये 8,00,000 प्लस, और ये यूँ मान के चलिए कि 9,00,000 प्लस, और जितने भी स्टूडेंट अपीयर होता है उस तक जा सकती है। तो ये एक एक्सपेक्टेड अनुमान था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं।